नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल खुशहाल होम गार्डनिंग में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स कि हम क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारा अच्छा खासा पौधा जो है वो सूख जाता है, या हम कोई पौधा नर्सरी से लेकर के आए हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। नर्सरी में तो वो बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन हमारे पास आकर के वो पौधा जो होता है वो सूखने लग जाता है। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। गार्डनिंग करना बिल्कुल उस तरीके से होता है दोस्तों जैसे आप किसी एक छोटे बच्चे को पाल रहे हो। छोटा बच्चा भी अपनी परेशानी बोल के नहीं बता पाता है, और ये पौधे भी हमें अपनी परेशानी बोल कर नहीं बता पाते हैं। हमें खुद ही उनकी परेशानी को समझना होता है, देखना होता है कि हमारे पौधे को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसमें क्या कमी आ रही है, हमें किस तरीके से उसका ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि हम जब पौधा नर्सरी से लेकर के आते हैं तो हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिससे हमारा पौधा जो है वो जल्दी ही मर जाता है और अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। जब भी हम कोई पौधा लेके आ रहे हैं तो उसको हम सही से चुने। जैसे आप नर्सरी में गए, वहाँ पे बहुत सारे एक पौधे के बहुत सारे प्लांट होते हैं, तो आपको ये देखना है कि हमें कौन सा वाला लेना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका आपका ये होता है कि आपको ऐसा पौधा देखना है जिसकी लीव्स जो हो वो अच्छे से हेल्दी हो, उसमें किसी तरीके का कोई डिजीज़ ना हो, कहीं से वो किसी तरीके का कोई उसमें इन्फेक्शन ना हो। बिकॉज़ अगर प्लांट आप स्टार्टिंग में ही जो लेकर के आ रहे हैं अगर उसमें इन्फेक्शन होगा तो वो आपके बाकी के भी जो प्लांट आपके गार्डन में हैं उसको भी धीरे धीरे ख़राब करेगा। तो आपको सबसे पहले जो चुनना है वो एक हेल्दी प्लांट चुनना है दोस्तों। देखो, ले कर तो आ गए हैं, अब हम इसको लगाएँ कब? हम ले आए हैं, हम कई बार ये गलती करते हैं कि हम आज लेकर के आए हैं और आज ही लगाने लग जाते हैं, तो हमें ये गलती नहीं करना है। जब भी हम कोई पौधा नर्सरी से लाते हैं तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है फ्रेंड्स वो अलग होता है, और हमारे घर का जो एनवायरनमेंट होता है वो अलग होता है। दोनों के बीच बहुत डिफरेंस होता है। तो हमें हमारा जो प्लांट हम लेकर के आए हैं, जिसको मैंने आपको बताया कि एक छोटे बच्चे की तरह केयर करना होता है, तो हमें उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो हमारा जो एनवायरनमेंट है, हम जिस एनवायरनमेंट में अपने पौधों को रख रहे हैं उस एनवायरनमेंट में वो अच्छे से घुल मिल जाए। उसका तरीका ये होता है कि आप जब नर्सरी से लेकर के आए हैं उस पौधे को आप 2 से 3 दिन के लिए अपने प्लांट्स के बीच में वैसे ही रख दें, उसको रिपॉट ना करें। अब अगला सवाल ये आता है दोस्तों कि हमने पौधे को 3-4 दिन के लिए रख तो दिया, अब उस पौधे को हम लगाएँ कब और कैसे लगाएँ? तो जब हम नर्सरी से पौधा लेकर के आए हैं, हमने उसको 3-4 दिन रख दिया है, उसको हमने अपने एनवायरनमेंट में अच्छे से घुलने मिलने दिया है, तो आप जब भी लेकर के आते हैं आप देखते हैं कि जो आपको मिलता है वो एक छोटे से प्लास्टिक के ग्रो बैग में या कई बार प्लास्टिक के जो नर्सरी पॉट्स होते हैं उसमें होता है। तो हमें जब भी हम उसको रिपॉट कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम उसमें से उसको निकालें। कई बार हम क्या करते हैं, वो जैसा हमें मिलता है हम वैसे का वैसे ही दूसरे पॉट में बस मिट्टी डालते हैं और उसको रख देते हैं। तो आप जो भी कंटेनर जिसमें वो लगा हुआ है, चाहे वो प्लास्टिक का हो या पॉलीथीन हो या कोई दूसरा आपका नर्सरी पॉट हो, तो हमें उसमें से उसको पौधे को अच्छे से कट करके निकाल लेना है। जब हम नर्सरी से पौधे लाते हैं फ्रेंड्स, तो ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो चिकनी मिट्टी में लगे हुए होते हैं। तो पौधे को जब हम दूसरे गमले में लगाते हैं तो सबसे पहले आपको जो उसमें चिकनी मिट्टी लगी होती है उसको हटा लेना चाहिए, ताकि वो चिकनी मिट्टी जो होती है जो उसके रूट्स को ना अच्छे से पकड़ लेती है। वो नर्सरी में वो यूज़ करते हैं ताकि वो उनके पास, क्योंकि उनके पास ज़्यादा स्पेस तो होता नहीं है, तो इसलिए वो चिकनी मिट्टी में लगा देते हैं जिससे कि उसके रूट ज़्यादा ना बढ़ पाए और उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट हो। तो हमें जब हम पौधे को लेकर के आएँ तो हमें चिकनी मिट्टी को हटा लेना है। पर फ्रेंड्स, जब आप चिकनी मिट्टी को हटाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं आप चिकनी मिट्टी को हटाते हुए आप उसके रूट्स को डैमेज ना कर दें। उसके रूट्स को बिल्कुल भी कुछ भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, आपका जो रूट्स होना चाहिए वो डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से इसका सबसे अच्छा जो आसान तरीका है दोस्तों वो ये है कि आपको जो आपका हम लेके आए हैं प्लांट जो चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है, हमने देख लिया कि वो चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है, तो आप किसी बर्तन में पानी कर लीजिए और उसको प्लास्टिक बैग जो ग्रो बैग में लगा हुआ है, नर्सरी पॉट में लगा हुआ है, उसमें से निकाल के उसमें डाल के छोड़ दीजिए 2-3 घंटे के लिए। उससे जो उसकी मिट्टी होगी वो थोड़ी खुल जाएगी, तो आराम से आप निकाल पाएंगे और उसके रूट्स डैमेज नहीं होंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है चिकनी मिट्टी हटाते हुए कि आपके जो रूट्स हैं वो डैमेज ना हो जाए, बिकॉज रूट डैमेज हुए तो आपका जो प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा। अब जो अगली चीज़ हमें ध्यान रखनी है दोस्तों वो है सॉइल का। हम जब भी कोई भी सॉइल बनाएंगे, किसी भी प्लांट के लिए हम सॉइल तैयार कर रहे हैं, तो हमें सॉइल इस तरीके का बनाना है कि वो जो सॉइल है उसमें पानी ना रुके, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पौधे होते हैं मोस्टली
99.9% जो आपके पौधे होंगे वो अगर उसके सॉइल में पानी रुकेगा, मिट्टी में पानी रुकेगा, तो आपका प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हमें सॉइल जो है वो हमेशा भुरभुरी बनानी है, इस तरीके से बनानी है कि उसमें पानी जो है वो रुके ना। अच्छे से आपको पॉट में ड्रेनेज होल करना है, सॉइल इस तरीके से बनी हुई होनी चाहिए कि उसमें आपका पानी, जो भी आप पानी दे रहे हैं वो पानी उसमें से निकल जाए, उसमें ठहर ना जाए। और इसके लिए आप चाहें तो आप कुछ चीज़ें जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोको पीट हो गया, रिवर सैंड हो गया, या राइस हस्क भी आप यूज़ कर सकते हैं। उससे जो है हमारी सॉइल जो है वो वेल ड्रेन्ड बनती है और उसमें आपका जो पानी है वो रुकता नहीं है। तो जब भी हम कोई पौधा नर्सरी से लाते हैं तो हम सोचते हैं कि उसमें हम जितना ज़्यादा पानी देंगे, खाद देंगे, उतनी जल्दी हमारा पौधा बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, पौधों की सेहत के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। ज़्यादा खाद और पानी देने की वजह से भी कई बार हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं और लास्ट में फिर वो पौधा मर जाता है या सूख जाता है। इसलिए खाद और पानी हमें हमेशा पौधे के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देना चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों कि हम जो गमले का चुनाव करते हैं वो हम किस तरीके से करते हैं। तो हमें जो गमला चुनना है वो इस तरीके से चुनना है कि जो जैसे कोई कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनको कि जिनकी रूट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है, तो उसके लिए हमें पॉट बड़ा लेना है। और कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, वो थोड़े बहुत में ही सर्वाइव कर जाते हैं, तो उसके लिए हमें छोटा गमला लेना है। आपको ये बात समझनी होगी दोस्तों कि हर पौधे की जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो अलग होती है। कई पौधे होते हैं जिनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे कि हमारा मोगरे का प्लांट हो गया, उसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, उसको आप पानी उसके मिट्टी में नमी बनी हुई रहनी चाहिए। और वहीं हमारा दूसरी तरफ सदाबहार हुआ, उसको हमें पानी कम से कम देना होता है, उसकी मिट्टी में अगर नमी रहती है तो उसका पौधा ग्रो नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से हर पौधे की जो रिक्वायरमेंट होती है पानी की वो अलग होती है, तो हमें उस हिसाब से हमारे पौधे को पानी देना है। ये नहीं कि हम पानी दे रहे हैं तो हम सारे पौधे में दे दें। अनार का पौधा अगर उसमें आप पानी दे देते हैं तो उसमें आपको फ्रूट्स नहीं मिल पाएंगे। वही अमरूद का पौधा अगर आप उसमें पानी नहीं देंगे तो उसमें अमरूद जो आ रहे हैं वो भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सारे प्लांट की पानी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, वो आपको समझनी पड़ेगी और उस हिसाब से आपको अपने प्लांट को पानी देना पड़ेगा। अब हमने पौधे को रिपॉट तो कर दिया है, लगा दिया है पौधे को। अब जब हम पौधे को रिपॉट करते हैं तो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, हम उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है दोस्तों। पौधे को जब भी हम लगाते हैं तो उसको 4 से 5 दिन तक हमें शेड में रखना चाहिए, इनडायरेक्ट सनलाइट देनी चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट से हमारा पौधा ख़राब हो सकता है और वो डैमेज हो सकता है। तो हमें 4 से 5 दिन तक उसको अंदर रख देना चाहिए जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, छनी हुई धूप मिले। एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी दोस्तों कि जैसे हम कोई भी पौधा लेकर के आ रहे हैं नर्सरी से, तो हम ये सोचते हैं कि चलो हम पौधा ले आए हैं, अब इसको स्टार्टिंग में ही किसी बड़े गमले में लगा देते हैं जिससे कि इसको ये अच्छे से ग्रो करे, अच्छे से बढ़ पाए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपने छोटे पौधे को ही बड़े पॉट में लगा दिया तो आपने उसमें मिट्टी उस पॉट के अकॉर्डिंग करी है कि उस गमले में हमें इतनी मिट्टी की ज़रूरत है, उसमें खाद आप उस पॉट के हिसाब से देंगे, पानी उसकी मिट्टी के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो इससे उस जिस प्लांट को हम लेकर के आए हैं, जो अभी एक बहुत ही छोटा सा अनमेच्योर प्लांट है, उस प्लांट को उसकी ज़रूरत से भी ज़्यादा उसको मिल जाएगी सारी चीज़ें। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा भी चीज़ें जो हैं वो आपके प्लांट को ख़राब कर सकती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें जो पॉट का साइज़ लेना है वो हमारे प्लांट के अकॉर्डिंग ही लेना है। हमारा छोटा जो प्लांट लेकर के आए हैं अगर वो छोटा है तो पॉट हमें छोटा ही लेना है। अगर हमारा प्लांट जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे हम उसके पॉट को चेंज करते जाएंगे। ये थे कुछ सावधानियां दोस्तों जिनको अपनाकर हम पौधे को मरने से बचा सकते हैं, चाहे पौधा हमारे घर में लगा हुआ हो या हम नर्सरी से लेकर। अगर हम इन चीज़ों का जो मैंने बताया है, इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका पौधा कभी नहीं मरेगा और बहुत हेल्दी रहेगा, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। कोई भी क्वेरी, फीडबैक या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।